जहां पूरा विश्व इस समय वैश्विक बीमारी कोविड-19 की वजह से ग्रस्त है, परंतु फिर भी डीएवी स्कूल हमीरपुर के विद्यार्थियों का एक अथक प्रयास रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाए और इस कार्य को संपादित करने हेतु विद्यार्थियों ने अपने ही घरों में बैठकर विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत ही बेहतरीन पोस्टर व स्लोगन बनाए तथा कई विद्यार्थियों ने तो अपने घरों के आसपास वाले क्षेत्र में पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और ये समझाने की कोशिश की कि हमारा जीवन पृथ्वी से संभव है, पृथ्वी हमसे नहीं है, इसीलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से इंसानों का नाम निशान मिट जाएगा। डीएवी स्कूल हमीरपुर के प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों को पर्यावरण के प्रति सचेत व जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा काफी भयंकर हो सकता है। इस समय पूरा विश्व कोविड-19 वैश्विक बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त हो चुका है और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि हम प्रकृति से किस हद तक छेड़छाड़ कर रहे हैं। विद्यार्थियों में ख्याति रिया हर्षिता, मन्नत श्रुति आयुष जागृति, आरव प्राची इशिता, लावण्या प्रियल खन्ना, गरिमा क्षितिज सौम्या, अलीशा प्रकृति, बलविंदर सिंह, जानवी संचिता, स्वास्तिक आदित्य, सोनल आर्शिया आदित्य, जोया पराशर इत्यादि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल के सभी अध्यापकों ने ऑनलाइन माध्यम से सभी बच्चों को पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा वैश्विक बीमारी कोविड-19 को देखते हुए स्टे होम स्टे सेफ के बारे में भी अवगत करवाया। They will share you. Thank you and have a nice day. Hello everybody. My name is Manu Puri. I study in class 1A. I'm a tree. If you cut a tree, you kill a life. So save earth, save trees. Thank you everybody. Bye bye. Good morning everyone. My name is Avika. Today my topic is save the environment. Environment means our surrounding, a very clean necessity to live a peaceful and healthy life. But our environment is getting dirty day by day because of negligence. Nature environment play a great role in our life. We should clean our surrounding every day. We should value our resources. We should plant trees. We should love our nature. I hope it helps you. Thank you.